से अनुरोध करता हूँ कि हम बैरिकेडेड के पास पहुँच गए हैं। अब सरकार को या तो हमें आरक्षण देना पड़ेगा, हमारे सीटें भैयाओं की एज बढ़ेगी और हमारी मातृशक्ति आगे आज का तो जो दिन है वो सरकारों को आईना दिखाने का दिन है कि राज्य के स्थापना दिवस के दिन क्या उपलब्धियां सरकार ने दी है इस राज्य को, वो आगे आके बताएं। हमें गिरफ्तारी का डर दिखा रहे हैं कि जो है राम कंडवाल को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। राम कंडवाल युवाओं की मांगे उठा रहा है, राम कंडवाल को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अगर युवाओं की मांगे उठाने के लिए मुझे गिरफ्तार करना पड़ रहा है, गिरफ्तार होना पड़ रहा, तो मैं गिरफ्तारी देने के लिए तैयार। और एक बार फिर से बेरोजगार संघ के युवा आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ गए, देखेगा पुलिस। और दोस्तों नमस्कार, आज उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती में उम्र सीमा बढ़ाने और महिलाओं के लिए अतिरिक्त सीट रखने की मांग को लेकर के देहरादून में भीषण महारैली की, जिसमें बेरोजगार संघ के युवा युवतियां शामिल हुए। साथ ही अनेकों सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए लोगों का समर्थन भी बेरोजगार संघ की इस भीषण महारैली को मिला। गांधी पार्क देहरादून से रैली किस प्रकार से आगे बढ़ी और किस प्रकार से पुलिस के द्वारा बैरिकेडिंग लगाए गए रैली को रोका गया, ये संपूर्ण दृश्य आप इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके अपने विचार अवश्य रखिएगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा। दोस्तों नमस्कार, गांधी पार्क देहरादून के बाहर का दृश्य आप देख रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी जाम लग रहा है और इसका कारण है उत्तराखंड बेरोजगार संघ के द्वारा गांधी पार्क देहरादून से भीषण महारैली निकाली जा रही है मुख्यमंत्री आवास तक, जिसका कारण है कि उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती में आयु सीमा तत्काल बढ़ाओ, पुलिस भर्ती में महिलाओं की स्पेशल 500 सीटें तत्काल जोड़ो, वन आरक्षी भर्ती में वेटिंग चयनित 160 अभ्यर्थियों को तत्काल नियुक्ति दो, इन तमाम मांगों को लेकर के आप देख सकते हैं किस भारी संख्या में यहाँ पे हुजूम उमड़ा हुआ है। उत्तराखंड बेरोजगार संघ के समर्थन में उत्तराखंड बेरोजगार संघ के तमाम युवा युवतियां और साथ ही जो समर्थन देने वाले अनेकों लोग हैं, अनेकों सामाजिक संगठन हैं, उनकी उपस्थिति यहां पे देखने को मिल रही है। आज यहाँ पे बेरोजगार संघ की जो महारैली हो रही है, तो कई तरह के सवाल आ रहे हैं कि उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के दिन ही इन्होंने ये क्यों चुना है। तो हम ये कहते हैं कि सत्ता में जो बैठे लोग हैं वो तो सत्ता का सुख भोग रहे हैं, वो मनाएंगे उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस, लेकिन हमारे लोगों ने जो शहादत दी और जिस ध्येय के लिए, जिस उद्देश्य के लिए पृथक राज्य का आंदोलन किया, अपनी शहादत दी, लड़ाई दी, आज के दिन ये बेरोजगारों को जो ये आंदोलन हुआ अपने हक के लिए और बिल्कुल नीतिगत लड़ाई ये लड़ रहे हैं, तो इन्होंने आज दिखाया है कि वाकई सरकारों को ये आईना दिखाना चाहते हैं कि धरातल पे हकीकत क्या है। क्या 25 साल का उत्तराखंड अपनी उन सारी परिकल्पनाओं को पूरा कर चुका है? क्या हकीकत आज? आज के दिन हमने जल जंगल के हुकूम की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम रोजगार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और रोजगार का मुद्दा उत्तराखंड में सबसे बड़ा मुद्दा है। तो आज का तो जो दिन है वो सरकारों को आईना दिखाने का दिन है कि राज्य के स्थापना दिवस के दिन क्या उपलब्धियां सरकार ने दी है इस राज्य को, वो आगे आके बताएं। उपलब्धियां शून्य है, 25 साल पहले जिस पायदान पे उत्तराखंड खड़ा था आज भी उसी पायदान पे खड़ा है और बेरोजगार आपने देखा है, मेरी मातृशक्ति है, मेरी बहनें हैं जो ये युवा भटक रहे हैं सड़कों पे, तो अपने न्याय के लिए लड़ाई लड़ रही है सभी शिक्षित और इन्हें रोजगार चाहिए, तो सरकार इनके लिए ये सब तय करे, नीतियां बनाए, रोजगार दे और इन सभी को हम तो शुभकामनाएं देते हैं और बिल्कुल ही जायज मांग इनकी है, संवैधानिक तरीके से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। गांधी पार्क देहरादून के बाहर आप देख सकते हैं जो मुख्य गेट है उसके बाहर का ये दृश्य और तमाम युवा सड़क पर ही बैठ चुके हैं यहाँ पर मौजूद है और काफी संख्या में न सिर्फ युवा बल्कि युवतियाँ भी अभी पहुंचे हैं। देखिए आज जो यहाँ सड़कों पे युवा है उनकी केवल और केवल एक मांग है कि पुलिस भर्ती में आयु सीमा को बढ़ाया जाए। आयु सीमा बढ़ेगी कैसे? जैसे योगी सरकार ने अपने वहाँ बढ़ाई 5 साल उम्र सीमा बढ़ाई, ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी बढ़ाई जाए। इसके अलावा PCS का आप देखिए सिलेबस आधे से ज़्यादा इन्होंने जो है हिंदी मीडियम में गायब कर दिया। आप कह रहे हैं कि 5 किताबें तो पढ़ लो, भाई साहब 5 किताबें नहीं है, 15 किताबें है टोटल। तो आप PCS की डेट भी बढ़ाइए। इसके अलावा 50% महिला आरक्षण की बात धामी जी कर रहे हैं, 50% छोड़िए, 5 सीटें नहीं है, 5 सीटें नहीं है इस भर्ती में। हम मांग कर रहे हैं 500 सीटें कम से कम इस भर्ती के अंदर जोड़ी जाए अतिरिक्त महिला के लिए। वन आरक्षी का रिजल्ट अभी तक नहीं आया, उसका रिजल्ट क्यों नहीं जारी कर रहे हैं? तत्काल जारी
जारी करिए। इसके अलावा आप देखिए जो PCS की भर्ती है उसमें बच्चे बार बार गुहार लगा रहे हैं कि जो है सिलेबस बढ़ चुका है, हमें ज़्यादा दिन चाहिए, मगर कोई मतलब नहीं है। मगर जब बॉबी पवार सचिवालय जाते हैं तो केवल और केवल उनके सचिवालय जाने में आप ये कह देते हैं कि जो है मीनाक्षी सुंदरम ये कह देती है कि मुझे मारा पीटा, टेंडर के लिए आए थे, टेंडर की बात आपने FIR में क्यों नहीं लिखी। देखिए प्रदेश का युवा जागरूक है, हर आदमी जानता है, अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई आज शांतिपूर्वक जा रहे हैं। 9 फरवरी का दिन भी याद होगा जब रातों रात नकल विरोधी कानून बनाया था। हम नहीं चाहते कि उस तरीके से हम जो है एज बढ़वाएं अपनी, हम नहीं चाहते कि वो दिन दोबारा दोहराए। हम ये चाहते हैं शांतिपूर्वक हमारी बातों को माने, और नहीं मानेंगे तो वो तरीका भी हम अपनाने के लिए तैयार हैं। आप बताइए, आप रोडवेज की बस में घुसकर प्रदेश की माँ बेटियों को और प्रदेश के युवाओं को कैसे रोक सकते हैं? कैसे रोक सकते हैं आप? आपकी हिम्मत कैसे हो गई कि आप जो है माँ बहनों को बोले कि इस रोड में बस से घूम कर जाए? आपकी हिम्मत कैसे हो गई? आप लोहरदगा से हमारे बच्चे आ रहे हैं, चंपावत से हमारे बच्चे आ रहे हैं, बागेश्वर से हमारे बच्चे पहुंचे हैं, हल्द्वानी से हमारे बच्चे पहुंचे हैं, और आप रोडवेज बस में घुस घुस कर डंडे के बल पर डंडे आप ले जा रहे हो रोडवेज की बसों में कि कोई यहाँ पर युवा तो बैठा नहीं जो आज की रैली में जाएगा। अरे धिक्कार हो तुम लोगों पर, धिक्कार हो। क्या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस राज्य के बेरोजगारों से इतना डर चुके हैं? क्या इतना खौफ प्रदेश के मुख्यमंत्री को हो चुका है? क्या प्रदेश का मुख्यमंत्री इतना डरा हुआ है कि वो सिर्फ 2 मांगों के लिए प्रदेश के युवाओं को रोडवेज की बसों से धक्के मारकर जो है अपने राज्यों की तरफ भगा रहा है, अपने जिलों की तरफ भगा रहा है? क्या मुख्यमंत्री इतने डरे हुए हैं कि आज वो प्रदेश की बहनों को राज्य गठन में जिन्होंने सबसे ज्यादा लड़ाई लड़ी थी उन बहनों को आज जो है वो धुतकार रहे कि भाई इस रैली में मत आ जाना, भागो यहाँ से, निकलो यहाँ से? तो ये कहीं ना कहीं गुनाह है और इस गुनाह को उत्तराखंड का युवा माफ नहीं करेगा। मैं आपके साथ पहले भी था, उत्तराखंड बेरोजगार संघ आपके साथ पहले था, हमेशा रहेगा, साथ रहेंगे, ये लड़ाई चलती रहेगी दोस्तों। और मांगे जो है वो हम मनवा कर रहेंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े। युवाओं से कहना चाहता हूँ, आज जब तक मांगे पूरी नहीं होती है, आपने 9 फरवरी के दिन इतिहास रचा था, आपने 9 फरवरी को अपनी ताकत प्रदेश के युवाओं ने दिखाई थी, और उसी दिन रातों रात आप जानते हैं कि रातों रात इनको मजबूर होना पड़ा, और जो गहरी नींद में सोए थे पुष्कर सिंह धामी अपने मुख्यालय में, रातों रात उन्हें फोन जाता है कि भाई साहब यहाँ तो 15-20 हजार लड़कों ने घेर दिया है, अब क्या करें? तो उन्होंने कहा मांग क्या भाई साहब इनकी, कह रहे नकल रोधी कानून बनाना है, वहीं पर फोन में बोल दिया कि चलो बना दो। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि वहीं पर फोन में बना दिया नकल रोधी कानून। तो ये शक्ति है हमारी, ये शक्ति है प्रदेश के युवाओं की, इस शक्ति को प्रदेश के युवाओं को समझना पड़ेगा। फालतू 2008 में बोला कि हमको आरक्षण दिए, आरक्षण का हमको 1% तक नहीं मिला अभी तक, मतलब ऐसे कैसे आरक्षण, कैसी सरकार रही है? हमको बोलते कि माताओं के लिए 50% आरक्षण है, उसका हमें 50 सीटें तक नहीं मिले। और जो भैया है 5 साल से तैयारी करे, 12 साल हो गए यहाँ पे, उनके लिए एक सीटें तो है, उनके लिए एज तो है नहीं, ऐसी कैसी है, कैसी सरकार है? यहाँ तक की जो हमारे साथ पुलिस वाले ये भी है, इनको हमारे साथ खड़े होने चाहिए, क्योंकि ये भी कभी स्टूडेंट थे, इन्होंने हमारे साथ खड़े हो रखे हैं आपके रास्ते में, ऐसे तो ना होता है। और भैया ऐसे होता है ना, इन्होंने बोल तो रखा है कि भारत के मतलब नारियां हैं, इनके लिए आरक्षण इतना है, करते कुछ नहीं है, फालतू का हो रखा है मतलब इनको, ऐसा नहीं। या तो हमको आज सीटें देंगे, आरक्षण देंगे, उनकी एज के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो 2001 में दे दिया, उसके लिए अभी तक कुछ किया नहीं है। मतलब इधर ये जो मतलब भैया लोग हैं फालतू, मतलब इधर पढ़ रहे हैं भैया, देखो 2 साल मतलब घर से इसी चक्कर से आएगी पुलिस की भर्ती आएगी, यहाँ पे आके पता चला कि ऐसी ऐसी है, तो बताओ इसमें आप जो यहाँ पे लड़कियाँ लोग बैठे फालतू तो ना रखी है, वो भी पढ़ाई करने वाली है, सब लोग यहाँ पे एक भी नहीं है कोई ऐसे होंगे जो मतलब देखो यहाँ सब लोग आ रखे बार बार से आ रखे, ऐसा होता है क्या कभी? अब सरकार को या तो हमें आरक्षण देना पड़ेगा, मान लिया सीटें भैयाओं की एज बढ़ेगी तब घर जाएंगे, या तो यहाँ पे देखेंगे फिर आज शाम तक क्या होता है। Come on!
कि हम बैरिकेडेड के पास पहुंच गए हैं और हमारी मातृशक्ति आगे रहेगी। विशेष अनुरोध करता हूं कि आज आर पार की लड़ाई है और हमारे साथ आगे पुलिस बैरिकेडिंग लगी हुई है। आप देख सकते हैं वही तनातनी का माहौल जो पूर्व में देखते हुए आए हैं हम लगातार हर रैली में। इसी प्रकार से आगे बढ़ने से रैली को रोका जाता है। भारी पुलिस बल यहां पे तैनात है। बेरोजगार संघ के युवा बैरिकेडर के ऊपर चढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। आप देख सकते हैं जबरदस्त तनातनी का माहौल और एक बार फिर से बेरोजगार संघ के युवा आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ गए हैं। देखिएगा पुलिस और बेरोजगार संघ के युवाओं के बीच में युवतियां भी आगे बढ़ करके इस बार ताकत लगा रही। देखेगा जबरदस्त तनातनी का माहौल, नोक झोंक चल रही है। पीछे की तरफ देखिए और न सिर्फ युवा बल्कि जो मातृशक्ति युवतियां हैं वो भी लगातार बैरिकेडिंग पार करने का प्रयास कर रही है। देखेगा और एक बार फिर से उत्तराखंड बेरोजगार संघ के युवाओं के साथ साथ में जो अभिभावक हैं वो भी यहाँ पे देखे जा सकते हैं। बैरिकेडिंग के ऊपर काफी युवा और युवतियां चढ़ चुकी हैं। जबरदस्त तनी तनी का ये माहौल पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में। उत्तराखंड बेरोजगार संघ के बैनर तले पुलिस कांस्टेबल भर्ती में उम्र सीमा बढ़ाने की मांग को लेकर के जबरदस्त प्रदर्शन देखेगा। खतरनाक दृश्य है यहाँ पे और लगातार पुलिस बल यहाँ पे युवाओं को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बैरिकेडर के ऊपर काफी लोग चढ़ चुके हैं बेरोजगार संघ के इस प्रदर्शन में जो ने सहयोग दे रहे हैं। भीड़ काफी आगे तक है। मैं आपको बता दूं आगे चलो भाई।
ये देखेगा पीछे तक भीड़ ही भीड़ नजर आएगी आपको, और बड़ी संख्या में यहाँ पे युवा पहुँचे हैं और लड़कियाँ भी भारी संख्या में पहुँची हैं। जो महिलाओं के लिए पुलिस कांस्टेबल में इस बार सीटें नहीं हैं, उसके चलते जो महिलाएं हैं, जो युवतियां हैं, जो तैयारियां कर रही थी, उनमें भी ज़बरदस्त आक्रोश। और पूरे पीछे तक आप देखिएगा भीड़ भीड़ यहाँ पे नज़र आ रही है। पुलिस बल भी काफ़ी पहले से तैनात है, स्थिति को लगातार संभालने का प्रयास किया जा रहा है। युवा लगातार आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, बैरिकेडिंग लगा दी गई है। गांधी पार्क देहरादून से रैली रवाना हुई थी और मुख्यमंत्री आवास के लिए आगे बढ़ते हुए हाथी बड़कोला के पास पुलिस बैरिकेडिंग के कारण रैली रुकी हुई है। युवा बैरिकेडिंग पार करने का प्रयास कर रहे हैं।